नमस्कार दोस्तों, आपको जो 1 ग्राम ज्वेलरी वगैरह जो बिजनेस करती है उसमें इसमें टैग कैसे लगाएंगे, इसमें छोटे छोटे जो बार कोड आती है, क्यू आर कोड आती है, मतलब छोटा छोटा आती है उसमें, जैसा अंगूठी वाला जो भी है उसमें भी आती है, तो ये किस तरीके से बना सकता है, कौन से सॉफ्टवेयर उसके लिए चाहिए और कौन सा प्रिंटर उसके लिए चाहिए, सब कुछ जानेंगे। और उस प्रिंटर को क्या प्राइस होती है ना, ये सब कुछ हमने ये वीडियो में जानेंगे। दोस्तों आप पूरा वीडियो देखिए, 10 मिनट के अंदर हम कवर करता हूँ। और नॉर्मली मैं एक चीज बोलता हूँ, मैंने ऑलरेडी 7-8 ईयर से ये फील्ड में हूँ और मैंने, मेरा दावा है दोस्तों, इस तरीके से जो टैग आपको नॉर्मल प्रिंटर से प्रिंट कर सकता है, क्योंकि ये ज्वेलरी टैग बोल करके 70-80,000 का प्रिंटर किसी ने, मतलब बहुत सारे लोग खरीद लेते हैं, उसका कोई जरूरत नहीं है। फर्स्ट क्लास क्वालिटी विथ क्यूआर कोड आपको प्रिंटर में सेट कर सकता है। उसका जो एक सेटिंग करना पड़ता है, मैं आपको वो दिखा देता हूँ इसके अंदर कैसे वो सेटिंग करना है प्रिंटर का, उसका स्पीड कम करना पड़ता है, मैं कैसे करते हैं सब कुछ आपको ये वीडियो में दिखा देंगे। हमने इसको अंदर टैग लगा के आपको दिखा देंगे दोस्तों। तो सबसे पहले कोई भी इस तरीके से जो ईयर रिंग्स वगैरह जो भी आ गया आपके पास, आप सीधा सीधा जाइए दोस्तों, देखो एड प्रोडक्ट, ये जो सॉफ्टवेयर हमने इस्तेमाल कर रहे हैं रेनटेक POS बिलिंग सॉफ्टवेयर, इंडिया का सबसे एडवांस्ड रिटेल बिलिंग सॉफ्टवेयर है दोस्तों। इसमें आपको जैसा ईयर रिंग्स, उसके कोई मॉडल नंबर है तो 10 समथिंग लाइक दिस, इसमें आपने इस तरीके से डाल दो, कैटेगरी सब कैटेगरी आपको जो क्रिएट कर सकता है, मैंने जो कैटेगरी था उसमें ही डाल दिया अभी। और आपने परचेस क्या किया था, 100 रुपये में खरीदा था, उसके MRP कितना रखेंगे आपने, फॉर एग्जाम्पल 499 रखेंगे या 499, ओके, और रिटेल प्राइस आपको 450 रखेंगे आपने, ठीक है, जो होलसेल प्राइस आपको 400 रखिए, है ना, कितना क्वांटिटी आया, 2 पीस। और यहाँ देखिए आपने इसमें पीसेस करके डाल दीजिए आपने, है ना, ब्यूटीफुल वे में। अगर आपको इयर रिंग्स 121 अगर ट्रांसलेट भी करना है वो भी हो सकता है, देखो इधर ट्रांसलेट का भी ऑप्शन है, मतलब अपने लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट होती है, वो मैं बाद में दिखा देंगे आपको। तो और कोई इन्फॉर्मेशन आपको अगर ढालना होती है, आपको इधर मोर इन्फॉर्मेशन बोल करके है, इनकेस आपको कलर साइज वगैरह जो भी ऐड करना होती है और इसका कोई बैच नंबर सीरियल नंबर वगैरह ऐड करना होती है, सब कुछ आपको एक ही जगह कर सकता है। तो मैंने आपको फिलहाल इसको थोड़ा सा सेव कर लेते हैं, इसको यहाँ GST भी सेलेक्ट कर दीजिए, आपको कितना GST है, ठीक है जी, आपको इसको सेव करिए, देखो सेव कर दिया मैंने। और इसका बारकोड लेबल प्रिंट करने के लिए आपको मात्र ये जो बटन में क्लिक कर दीजिए, और इसमें देखो बारकोड बोल करके आपको दिखाई देती है, देखो बारकोड, तो वो जो बारकोड आपको तुरंत इधर दिखाई देती है, आपको कितना पीस स्टिकर बनाना है, फॉर एग्जाम्पल 5 पीस स्टिकर बनाना है, आपको 5 लगा दीजिए इधर, ओके कर लीजिए। और इसमें देखो कई सारे टेम्पलेट्स आपको दिखाई देती है, बहुत सारा, और इसमें टेम्पलेट मतलब जो फॉर्मेट आती है जो बारकोड प्रिंट करके आती है, तो आपको इसमें कस्टमाइज भी कर सकता है। मैंने फिलहाल के लिए एक देखो इस तरीके से एक टेम्पलेट मैंने सेलेक्ट कर दिया है, और प्रीव्यू में चला जाइए, देखो इस तरीके से आपको प्रीव्यू दिखाई देती है, देखो आपको 499 जो MRP डाला था, सेल रेट आया था, ठीक है। मैंने इसको प्रिंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ देखिए प्रिंटर का बटन दिया गया हुआ है, उसमें क्लिक कर दीजिए और एक बार उसको देख लीजिए, आपको सब कुछ सही है कि नहीं, स्टॉक समझ लीजिए, लेवल भी तो मार्क्स कर दिया मैंने, ऑप्शंस में जाकर के इसको थोड़ा सा स्पीड होता है ना जी, ये जो नॉर्मली बाय डिफॉल्ट ये स्पीड में आता है, आपने स्पीड को कम कर लीजिए, तो जैसे स्लोली आता है क्लैरिटी में परफेक्टली प्रिंट होके आती है, तो ओके कर लीजिए और अप्लाई कर लीजिए। मैंने अभी प्रिंट देने वाला हूँ आपको, वहां देखो प्रिंटर चालू हो गया, वो प्रिंट कर रहा है, आराम से प्रिंट आया हुआ है, और उसमें से मैंने 1-2 पीस उठा कर देता हूँ, उठा लेता हूँ मैंने 1-2 पीस, देखिए इस तरीके से एकदम ब्यूटीफुल तरीके से वो जो प्रिंटर उठा चुका है। अगर आपको जो भी ऑर्नामेंट्स में लगाना होती है तो आप ये ऑर्नामेंट्स उठा सकता है, आपको कहीं भी लगा सकता है इसका, जैसा यहाँ से लगा देते, ये जो छोटा सा होल होते हैं उसमें से लगाना होती है, वहां से लगा सकता है, मैं उसी से ही लगा देता हूँ, वाओ, इस तरीके से लगाइए और इसको आपने आराम से इसको फोल्ड कर दीजिए, देखो यहां से इसको फोल्ड कर दिए, देखो एकदम बढ़िया हो गया दोस्तों, कितना मस्त दिख रहा है। नॉर्मल बारकोड नहीं है, क्यूआर कोड है, इसके वजह से वो दिखने में भी बहुत प्यारा प्यारा दिखता है।
तो हमने क्या करेंगे, इसको एक बार सेल कर कैसे करेंगे इसको, मतलब हमने इसको शोकेस तो कर लिया, कस्टमर जैसे आती है उसको सेल कैसे करेंगे हमने वो देखेंगे पहले। तो आपको सेल करने के लिए वेरी सिंपल है दोस्तों, आपको देखिए यहां जा सकता है, इसमें आपको डायरेक्टली जो स्कैन करके अभी सेल करेंगे आपको B2C सेल हो जाती है। कोई भी कस्टमर को यहां से अगर सेलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने कोई भी कस्टमर का नाम इसमें है क्या देखते हैं, अच्छा इसका ये जो कस्टमर है इसको अगर स्कैन करके सेल करते हैं, जैसे मैंने कस्टमर को इधर सेलेक्ट किया हुआ है दिलीप बोल के, और ऑटोमेटिकली मतलब कर्सर बारकोड में आ जाती है। अब अपना जो बारकोड स्कैनर उठा लीजिएगा, ये जो है आपको 2D बारकोड स्कैनर है, उसको सिर्फ और सिर्फ इसको स्कैन कर लीजिए ब्यूटीफुल वे में, फर्स्ट क्लास वे में, देखो इसको आर्ट टू कार्ट में आ गया। आपको मात्र एक बटन क्लिक करना है, देखिए ये जो कैश बटन, कैश बटन जैसे आपने क्लिक करेंगे आपको देखो इधर प्रीव्यू आ जाती है, यस करिए आपने, ये देखो ये प्रीव्यू आ चुका है। ये प्रीव्यू में आपको क्या दिखाई देती है, ये जो बिल मतलब बिल जो बनाया हुआ है 499 का था, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूं ताकि क्लैरिटी आपको थोड़ा सा अच्छा मिलेगा, 499 का था और 450 हमने सेल प्राइस डाला था, इसके वजह से 49 रुपीज उसको डिस्काउंट मिला है। चलो इसको प्रिंट करने के लिए वेरी सिंपल है दोस्तों, ये जो बटन में एक बार प्रेस कर दीजिए ऑटोमेटिकली इसको प्रिंट आउट आ जाती है, देखिए ये प्रिंटर से प्रिंट आउट आ गया, ये जो प्रिंट आउट आ गया एकदम बढ़िया क्वालिटी का, फर्स्ट क्लास क्वालिटी में आपको प्रिंट आउट आ जाती है जैसा वैसा। अच्छा आज के जमाने में मात्र प्रिंट आउट देने के नहीं होता है दोस्तों, आज के जमाने में आपने सेम बिल कस्टमर को व्हाट्सएप के रूप में सेंड कर सकता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो मैंने व्हाट्सएप चालू करके रखा हूँ, पहले देखो ये मैंने व्हाट्सएप चालू करके रखा, मैंने मात्र एक बटन में क्लिक कर रहा हूँ, जो जो मतलब मेरा मॉनिटर में ये वाला जो बटन में एक बार क्लिक करता हूँ, आपने लाइव देख लेना दोस्तों, देखिए ये देखो लाइव देख लेना, वो मतलब जैसा जो बिल बना है वही सेम बिल कस्टमर का व्हाट्सएप पे पहुंच के देखिए, सो ब्यूटीफुल टेक्नोलॉजी, मतलब कस्टमर को ऐसा फील हो जाती है हाँ कुछ बढ़िया चीज है ना। तो इस तरीके से प्रोफेशनल वे में बिलिंग सिस्टम लगा सकता है, और आपको मात्र इसमें नहीं है, आपको अंगूठी वगैरह में भी इस तरीके का टैग लगा सकता है। अच्छा इसका प्राइस का बारे में भी थोड़ा सा बता सकता है, ये जो टैग आपको अमेज़न में अवेलेबल है, मैंने अमेज़न तुरंत इधर खोल के दिखा देता हूं आपको, देखो अमेज़न आपको जाना है, अमेज़न amazon.in में चला जाइए, आपने वहां देखो आपने ज्वेलरी टैग JEWELLAR ज्वेलरी टैग बोल के आपने टाइप करना, तो आपको यहां देखिए ये जो देखो सबसे पहले आया हुआ है, देखो 749 रुपीज, इसका 15 mm का ये सब चल जाती है, ये कोई भी टैग आप लेने से ना ये सब कुछ देखो, ये वाला देखो 85 mm 15 का देखो, ये वाला मैंने जो इस्तेमाल किया 100 x 15, तो 100 x 15 मतलब उसका जो टोटल बेट 100, या देखो ये वाला टैग मैंने इस्तेमाल किया हुआ है। ये आपको कई कलर में, दो कलर में मोस्टली मिलती है, एक तो व्हाइट कलर प्योर व्हाइट, एक तो इस तरीके से मैंने जो दिखाया थोड़ा सा स्काई ब्लू का कलर, इस तरीके से मिल जाती है आपको 499 से लेकर 2000 लेबल है उसमें, देखो 2000 लेबल होती है, और थोड़ा सा आप 3000 लेबल है, लेकिन एक्चुअली ये 3000 बोलती है ना उसमें से कम रहता है, टू बी फ्रैंकली मैं आपको जो भी है सच्चे सच्चे बताता हूँ, थोड़ा सा कम हमेशा होती है, शायद 2000 तक मिल जाएंगे 3000 बोलने से, अमेज़न में ये सब चीज होती है क्योंकि हमने गिन नहीं सकता, इसके वजह से ये सब कुछ होती है। तो आपको वेरी इजीएस्ट वे में आपको 1 ग्राम ज्वेलरी का जितना भी प्रोडक्ट है शोकेस करने के लिए ये टेक्नोलॉजी यूज कर सकता है। अच्छा ये जो प्रिंटर है, आपको कोई भी प्रिंटर दे दो, आपने इस तरीके से सेटिंग कर दीजिए उसको, और हमारा जो टीम बैठा हुआ है रेइंडेक्स सॉफ्टवेयर लिमिटेड का जो कस्टमर केयर टीम, वो लोग आपको इसको इंस्टॉल करके दे देंगे, और ये जो QR कोड वगैरह सेटअप वगैरह जो भी होती है, ये QR कोड दिखने में भी बहुत अच्छा दिखता है ना, देखिए एक साइड में QR कोड, दूसरे साइड में आपको देखिए वो ईयर रिंग्स का नाम आ गया, प्राइस MRP आ गया, सेल प्राइस आ गया, मॉडल नंबर मैंने डाला नहीं, मॉडल नंबर डालने से वो भी प्रिंट आउट में आ जाती है। तो इसमें आपको और कोई फील्ड चाहिए होती है, आपको दुकान का नाम चाहिए होती है वगैरह वगैरह, इनकी अगर चाहिए होती है वो भी आराम से कर सकता है। तो इस तरीके से एक वंडरफुल टेक्नोलॉजी दोस्तों, ये जो प्रिंटर को लगभग आपको 10,000-12,000 इस तरीके से प्राइस रेंज में आपको मिल जाती है, ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। ज्वेलरी टैग बोल करके 70,000-80,000 का प्रिंटर भेज रहे मार्केट में, ये सब प्रिंटर लेने का कोई जरूरत नहीं, एक्सट्रीम शार्प क्वालिटी में आपको
प्रिंट कर सकते हैं। मात्र आपने क्या करना, सेटिंग्स में जाकर के इसका स्पीड कम कर ले, बस और कुछ नहीं करना है। और इन केस कोई भी दिक्कत है, मेरा ऑफिस में कॉल कर दीजिएगा 8078311945 और 8606093110। आपका कोई भी हेल्प चाहिए आपको यहां से मिल जाएगा दोस्तों। आपको ये जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, आपको इसका ट्रेनिंग कैसे इसको यूज करना है, और आपको ये हार्डवेयर वगैरह ये लोग सेटिंग करके देती है, और जो पूरा सेटअप चाहिए तो ये भी मिल जाती है आपको, सारे ये इकट्ठा मिल जाती है। मतलब आपको जो बारकोड स्कैनर जो चाहिए होती है, बिल प्रिंटर, जो बारकोड प्रिंटर सब एक हट्टा चाहिए तो वो भी मिल जाती है। अच्छा, बारकोड स्कैनर में भी ये जो बारकोड स्कैनर हमने यूज किया हुआ है रेडसोल का 2060 मॉडल जो यूज किया हुआ मैंने, ये जो बारकोड स्कैनर, ये जो बारकोड स्कैनर 2D बारकोड स्कैनर है, ये बहुत अच्छा बारकोड स्कैनर है। ये जो जैसे स्कैन करते हैं ना, हमने स्कैनर वाइब्रेशन ऑप्शन भी है इसमें, तो वाइब्रेट करती है, क्योंकि हमारा जो दुकान में है ना बहुत थोड़ा भीड़ वगैरह होती है, आवाज ज्यादा होती है ना, तो हमको पता नहीं चलेगा स्कैन हुआ क्या नहीं, तो इसलिए करके वाइब्रेशन सिस्टम भी इसके अंदर डाल के रखा हुआ है। सो ब्यूटीफुल स्कैनर, ये करीब आपको 2.5-3000 अंदर आती है ये जो स्कैनर, ब्यूटीफुल स्कैनर बेसिकली। तो इस तरीके से ये टेक्नोलॉजी दोस्तों, ये जो सॉफ्टवेयर का नाम है दोस्तों रेनटेक POS बिलिंग सॉफ्टवेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।